इस नए वर्ष में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में बदलाव हो रहा है। इसके कारण कुछ राशियों के लिए नया वर्ष खुशियों भरा हो सकता है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार बताया गया कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है एवं कर्म फलदाता भी कहा जाता है। वह व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। शनिदेव इस समय अपनी राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि वर्ष 2025 तक विराजमान रहेंगे, लेकिन नए वर्ष 2024 में उनकी स्थिति में बदलाव हो रही है। इसके साथ ही 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। हमारा नव संवत्सर तो गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है, लेकिन वर्तमान में जो संवत्सर 2080 विक्रम संवत जो चल रहा है, इसमें शनि जो है वो कुंभ राशि में स्थित है, और कुंभ राशि में स्थित होने से मकर, कुंभ और मीन, इन तीन राशियों के लिए वह साढ़े साथी की स्थिति बना रहा है, और कर्क और वृश्चिक राशि के लिए वो ढैया की स्थिति बना रहा है। क्योंकि शनि को न्याय के देवता कहा जाता है, और शनि ऐसे देवता हैं कि यदि उनकी दृष्टि शुभ स्थान पर है तो वो आपको संपूर्ण प्रकार का ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वाहन, भूमि इत्यादि प्रदान करते हैं, और शनि की दृष्टि हमारे ऊपर शुभ नहीं है तो वह सब चीज हमसे छीन भी लेते हैं। शनि के कारण एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं। शनि की यदि दृष्टि ठीक नहीं है तो व्यक्ति मुकदमे इत्यादि में भी हार जाता है। इसलिए शनि की शुभ दृष्टि पर शुभ फल प्राप्त होता है, शनि की अशुभ दृष्टि पर अशुभ फल प्राप्त होता है। यदि किन्हीं की राशियों में शनि शुभ नहीं है, जिनकी ढैया चल रही है या जिनकी साढ़े साथी चल रही है, इन सभी राशि वालों को भगवान शनि के दर्शन करना चाहिए, शनि मंदिर में जाकर के परिक्रमा लगाना चाहिए। शनि का जो दान कहा गया है, तिल का तेल, लोहा, काले तिल, उड़द, काला वस्त्र इत्यादि जो है, वो किसी जोशी को या शनि मंदिर में जाकर के दान करना चाहिए। इसके अलावा एक प्रमुख उपाय जो है जिससे शनि से हमें हमेशा शुभ फल प्राप्त होता है, वो हनुमान जी महाराज की साधना। इसलिए जिनकी राशि में शनि अशुभ है, उन सभी राशि वालों को हनुमान चालीसा का या सुंदर कांड का नित्य पाठ करना चाहिए, जिससे हनुमान जी महाराज शनि के द्वारा प्रदत्त जितने भी कष्ट हैं उन समस्त कष्टों को हर लेते हैं।